नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। राजस्थान की बेटियों के साहस की कहानियां आपने इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ी होगी, लेकिन गौरव गाथाओं से भरा इस मिट्टी का महज इतिहास ही नहीं बल्कि वर्तमान भी ऐसी कहानियों से भरा हुआ है। रेगिस्तान से निकलकर अंटार्कटिका के समुद्र को फतेह करने वाली यहाँ की एक बेटी ने न सिर्फ मेवाड़ को बल्कि पूरे राजस्थान को नई पहचान दिलाई है। राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से मशहूर है उदयपुर, और मेवाड़ क्षेत्र के इस जिले की खूबसूरती बढ़ाती है यहाँ की झीलें और उन झीलों पर तैरते महल। लेकिन दुनिया भर के सैलानियों की सैरगाह बनी ये झीलें और महल ही नहीं है जो उदयपुर को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर जगह दिलाते हैं। इन झीलों में तैरती एक बेटी भी है जो अपने जिले को दुनिया में नई पहचान दिला रही है। 25 साल की उम्र में अंटार्कटिका महासागर में तैराकी के नए विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली इस जल परी का नाम भक्ति शर्मा है, जो 5 महासागरों को पार करने वाली देश की अकेली बेटी है। मैं चारों महासागर में स्विमिंग कर चुकी थी और ये काफ़ी सालों से मेरा सपना था कि मैं दुनिया में 5 महासागर हैं उन सब में एक एक बार मैं स्विमिंग करूं, तो सिर्फ अंटार्कटिका बचा था। और जैसे जैसे रिसर्च चालू करी तब पता चला कि मैं यंगेस्ट होंगी मैं स्विमिंग करने वाली, तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। जी हाँ, 10 जनवरी 2015 को भक्ति ने 1 डिग्री तापमान में 2.3 किलोमीटर की दूरी महज 52 मिनट में तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और अंटार्कटिका महासागर पर फतेह हासिल करने वाली एशिया की पहली बेटी बनी। तो भक्ति के ही नाम दर्ज है 26 किलोमीटर की स्विमिंग मैराथन में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल लाने का विश्व रिकॉर्ड। इंग्लिश चैनल करने के बाद जुलाई 2006 में अगस्त में मैं ज्यूरिख गई थी। मैं अपने एज ग्रुप में ही नहीं बल्कि ओवरऑल सबसे छोटी स्विमर थी, और भगवान की कृपा से उस इवेंट में मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो वो इंडिया के नाम पे मेरा पहला गोल्ड मेडल था। तैराकी की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली भक्ति ने ये सब कुछ हासिल किया है तो इसके पीछे है माँ लीना शर्मा की लंबी तपस्या। बचपन में जब माता पिता बच्चों का हाथ पकड़कर चलते हैं, भक्ति की माँ ने अपनी बच्ची को स्विमिंग पूल में उतार दिया था। जब मैं 2.5 साल की थी उस टाइम पे मदर ने स्विमिंग सिखाना चालू किया, तो उदयपुर में पूल्स नहीं होते थे उस टाइम पे, तो यहाँ पे एक होटल है वहाँ उसके छोटे से पूल में जाके उन्होंने सिखाना चालू किया। भक्ति की माँ भी कॉलेज के दिनों की राष्ट्रीय तैराक थी, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण उन्हें नौकरी करनी पड़ी। माँ ने अपनी हार बेटी के जरिए जीत में बदल दी। जिला स्तर की प्रतियोगिताओं से शुरू हुआ भक्ति का सफर स्टेट, नेशनल और फिर ओपन वाटर स्विमिंग की तरफ बढ़ा। और फिर साल 2003 का वो दिन आया जब 16 साल की उम्र में वे मुंबई के समुन्द्र में उतर गई, और उसके बाद भक्ति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंग्लिश चैनल को पार कर माँ को गुरु दक्षिणा दी, तो 5 महासागरों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाए, और ये सब कुछ उदयपुर जैसे छोटे से शहर से मुमकिन हुआ। लेकिन चाह थी तो राह अपने आप बनती गई। एक तरफ घंटों पानी में प्रैक्टिस कर स्टेमिना बढ़ाया, तो दूसरी तरफ पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। ओलंपिक का लक्ष्य हासिल करने के लिए अब वे पानी में अपनी रफ्तार बढ़ाने में जुटी हैं, तो हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी ने इस बेटी की प्रतिभा को तराशने की जिम्मेदारी ली है, और भक्ति उदयपुर में कुछ और जल परियां तैयार करने में जुटी हैं। देश के सर्वोच्च एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित हो चुकी ये बेटी पिता का गर्व है तो देश का भविष्य, ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। मेवाड़ में एक साधारण घर के परिवेश में पली बढ़ी, लेकिन देश में जलपरी बनी। अगर आपको लगता है कि देश की लाखों बेटियों के लिए एक मिसाल है, तो इंतजार कीजिए कल का। खुद भक्ति शर्मा हमारे साथ रूबरू होंगी और आपके सवालों का जवाब देगी। बस आप देखते रहिए, आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।